हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फटाफट लहसुन छिलने का तरीका बताऊंगी। आप 5 मिनट के अंदर आधा किलो से ज़्यादा लहसुन छील सकते हैं बहुत आसानी से अपने नाखून बिना ख़राब किए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लहसुन छिलना। मैंने आधे किलो से ज़्यादा लहसुन लिया है। पहले इसे मैं इस तरह से पानी के अंदर डाल दूंगी, इससे इसकी मिट्टी भी साफ़ हो जाएगी और ये अच्छे से फूल जाएगा। 8-10 आवर्स में इसे फुला लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। आप रात को इसे भिगो दीजिए और फिर दिन में इन्हें निकाल दीजिए, निकाल कर फिर आप इसे बना छील सकते हैं। अचार वगैरह बनाना हो या आपको रखना हो काफ़ी दिनों तक, तो आप 1 किलो लहसुन लेकर 5 मिनट में इसे छील सकते हैं। छीलने के लिए आप पहले पानी में भिगो लीजिए 8 आवर्स, पूरा ऊपर तक पानी आना चाहिए। उसके बाद इस ढक्कन को ढक दीजिए ताकि जो पानी है पूरा भरा रहेगा, तो प्रेशर से हमारा पूरा नीचे लहसुन दबा रहेगा पानी और अच्छे से फूल जाएगा। आपको इसे प्रेस करके टुकड़े निकालने की ज़रूरत नहीं, 8 आवर्स में फूल जाएगा तो पूरा अच्छे से निकल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे प्रेस कर लीजिए। देखिए ये काफ़ी टाइट है क्योंकि बहुत पका हुआ है खेत का, ये टूट नहीं रहा है आसानी से, इसलिए हम इसे डायरेक्ट पानी में भिगो दिए हैं। इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे बाहर और इसे आप झटपट 5 मिनट में अपने लहसुन छील सकते हैं। इस तरह से हम इसके पूरी कलियां इस तरह बाहर निकाल लेंगे। देखिए बाहर निकालने के बाद हम इस तरह से फटफट निकाल कर फटाफट हम इस, ये देखिए आधा किलो लहसुन जो मैंने लिया है इसे हम इस तरह से पानी में डालेंगे और पानी के अंदर हम छिलने वाला भी लहसुन डाल ले रहे हैं। 2 मिनट के अंदर आप अपने 1/2 kg लहसुन के छिलके निकाल सकेंगे। देखिए इस तरह से रगड़ते हुए हम इनके कंप्लीट छिलके देखिए उतार ले रहे हैं और उसके बाद इन्हें धोकर हम अलग कर देंगे। थोड़ी देर ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। धुलने के बाद आप इसे फिर थोड़ी देर फैन में सुखा लीजिए, क्योंकि अचार बनाना है तो या तो आपको रखना है, तो भी आप इसे अच्छे से छील कर तैयार करके 1 महीने तक डब्बे में सेव करके रख सकते हैं छिले हुए लहसुनों को। इनको छिलने में बिल्कुल देर नहीं लगेगा, नहीं तो लहसुन अगर हम छिलते हैं तो हमारे ये हाथों को ख़राब कर देता है या नाखून में घुस जाता है। देखिए मैंने इसे इस तरह से, कोई हमें टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा है, इस तरह से हमने छिल लिया है और अब इनको हमने सफाई से धुल लिया है तो पानी से बाहर कर देंगे और थोड़ी देर मैं इसे छोड़ दूंगी फैन में, तब पूरे छिलके निकल जाएंगे। ये मैंने कर लिया। पानी से निकाल कर देखिए लहसुन को रखा मैंने, इस तरह से हम रगड़ लेंगे, ये जो है इससे पूरे छिलके इसके बाहर आ जाएंगे ऐसे करते हुए, और उसके बाद हम इसे ऐसे प्लेन करेंगे और ऊपर के छिलके निकाल लेंगे हाथों से और थोड़ी देर फैन चला कर रख देंगे, तब ये पूरे छिलके इसके बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हम एक एक लहसुन को निकाल कर अलग कर सकते हैं या फटक कर। थोड़ी देर मैं फैन में इसे रख दे रही हूँ, तब आपको फिर दिखा रही हूँ। देखिए हमने थोड़ी देर धूप में इसे रख दिया। आप चाहे फैन में कितना हल्का इसका हो गया क्योंकि भीग चुका है ये छिलका। इसके बाद आप इस तरह करते हुए सूप से इसे निकाल सकते हैं बाहर। ये देखिए मैंने दिखाया, थोड़ा सा बाहर मैं जाके इसे बाहर निकाल लूँ क्योंकि कमरा गंदा हो जाएगा। मैंने इसे थोड़ा सा ही बाहर निकाला, आपको दिखा दे रही हूँ, और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है इसका, छोटा तो आगे की तरफ उड़ गया बाहर, मैंने पूरा नहीं निकाला क्योंकि आपको दिखा सकूँ। ये बैक साइड में ये देखिए बड़ा वाला जो छिलके बड़े थे वो चले गए हैं, और फिर इनको मैं बाहर कर दूंगी। और इसी तरह करते हुए देखिए ये हम इसे बाहर निकाल लेंगे, जो पोर्शन थोड़ा सा कम छिला हुआ है उसे फिर हम छील लेंगे। देखिए फ्रेंड, चुटकियों में हमने लहसुन छील कर अपना तैयार कर दिया। ये 1/2 kg से ज़्यादा हैं, 3 पाव लहसुन मैंने छिला था। अगर आपको हमारे ये लहसुन छिलने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टिप्स के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।